हाँ हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का फर्स्ट लेक्चर है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हम सबसे पहले जो डिफरेंट टाइप के फोर्स हैं उनकी हम स्टडी करेंगे, जैसे नॉर्मल फोर्स है, टेंशन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स वगैरह है। इसको जो फोर्स की जब हम स्टडी करते हैं, इसको करने से पहले आप यहाँ पर न्यूटन्स लॉ का जो 9th और 10th में आपने बेसिक लॉ पढ़े हैं, लॉ बाद में नोट भी किए जाएंगे, लेकिन जो आपने बेसिक लॉ की स्टडी 9th और 10th में की है उसमें आपको मालूम है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में होती है या वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही हो तो वेलोसिटी को चेंज करने पर, कांस्टेंट वेलोसिटी यानी यूनिफॉर्म मोशन से उसको चेंज करने के लिए या रेस्ट से मोशन में लाने के लिए आपको फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने के लिए किसी भी फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हम अपने यहाँ जनरल सिलेबस में फ्रिक्शन को निग्लेक्ट कर देते हैं। इसका मीनिंग ये है कि अगर हम किसी बॉडी को एक बार अगर आपने वेलोसिटी दे दी है तो वो इनफाइनाइट टाइम तक मूव करता रहेगा। ठीक है, और फार्मूला आपको मालूम है सेकेंड लॉ का, F=ma, बाद में ये नोट भी कराया जाएगा प्रॉपर उसमें। और न्यूटन थर्ड लॉ का जो है वो फोर्स की स्टडी करते समय ज़रूरत पड़ती है। न्यूटन थर्ड लॉ आपको मालूम होगा कि कोई भी बॉडी ए जो है वो बी पर अगर कोई फोर्स डालती है तो रिएक्शन उसका होगा, एक्शन रिएक्शन फोर्स है थर्ड लॉ। बी बॉडी ए पर भी फोर्स डालेगी। इसका मेन कॉन्सेप्ट एक ही है थर्ड लॉ का कि ये दोनों फोर्स कभी एक बॉडी पर नहीं लगते हैं, अदरवाइज ये कैंसिल हो जाएंगे। यानी ए बॉडी बी पर फोर्स डालती है और बी ए पर डालती है। तो बेसिक ये ध्यान रखना, फोर्स की स्टडी हम पहले करेंगे। तो आप ज़रा नोट करें, फोर्स हेडिंग डालें, लिखे ए पुल आर पुश, ए पुल आर पुश विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज, विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स जो है वो स्पीड चेंज कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, शेप और साइज चेंज कर सकता है बॉडी की। 9th-10th में बेसिक थ्योरी में भी आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट पैरा में लिख दें, फोर्स इज द इंटरेक्शन बिटवीन द, फोर्स इज द इंटरेक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सोर्स, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इफेक्ट आपको मालूम है फोर्स का क्या होगा, स्पीड चेंज हो सकती है, डायरेक्शन चेंज हो सकता है, शेप और साइज चेंज हो सकती है। नेक्स्ट हेडिंग डालें टाइप्स ऑफ फोर्स। देखिए जो फोर्स के टाइप होते हैं वो वैसे तो वो कई तरह के हैं, लेकिन जैसे आप आगे पढ़ेंगे वर्क एनर्जी में कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वो भी एक टाइप है फोर्स का। यहाँ जो हम पहले स्टडी करेंगे फोर्स के टाइप की, उसमें फोर्स बेसिक इंटरेक्शन वाइज है। इसका मीनिंग है कि नेचर के अंदर जो फोर्स के लगने का ओरिजिनल कॉज है उससे फोर्स को फोर पार्ट में डिवाइड किया गया है, चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये बेसिक इंटरेक्शन वाइज है। तो आप हेडिंग डालें टाइप्स ऑफ फोर्स और ब्रैकेट में लिखें चाहे नीचे लिख दें उसके, बेसिक इंटरेक्शन वाइज। बेसिक इंटरेक्शन वाइज का मीनिंग है कि जो कॉज है उनका, उसके बेसिस पर ये डिफाइन किया गया है। तो नंबर वन लिखें ग्रेविटेशनल फोर्स, नंबर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड न्यूक्लियर फोर्स और फोर्थ लिखे हैं वीक फोर्स WEAK। पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स और वीक फोर्स। देखिए इनमें से जो न्यूक्लियर फोर्स और वीक फोर्स आए हैं इनका हम मॉडर्न फिजिक्स में स्टडी करेंगे। ये दोनों ही फोर्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं इसलिए यहाँ पर इनकी स्टडी नहीं होगी। तो जो हमारे अदर फोर्स हैं, जो पहले वाले दो फोर्स हैं, उनको न्यूटन्स ला के चैप्टर में और मैकेनिक्स में पूरे इनका यूज़ होगा। अदर दो फोर्स को हम अभी यहाँ स्टडी नहीं करेंगे। ओके, तो आप पहला हेडिंग डालें ग्रेविटेशनल फोर्स। इससे थोड़ा आप फैमिलियर भी हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉज अपना अलग है। यूनिवर्स में जितनी भी बॉडी हैं वो सभी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। नोट करें नीचे, द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन विच एग्जिस्ट, द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन विच एग्जिस्ट बिटवीन टू पार्टिकल्स ड्यू टू देयर मासेस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी एक पार्टिकल का मास m1 है, दूसरे का m2 है, डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स r है, तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है ये कांस्टेंट है कैपिटल G, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर है। कैपिटल G यहाँ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसका हम ग्रेविटेशन के चैप्टर में इसका डिटेल में स्टडी करेंगे, जो डिफरेंट पार्टिकल के बीच में फोर्स लगता है। अगर यही फोर्स अर्थ और एक और बॉडी हम स्मॉल मास m ले रहे, अर्थ का मास कैपिटल m ले रहे, अर्थ की रेडियस क्योंकि बहुत ज़्यादा है इसलिए इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको हम निग्लेक्ट कर देंगे, यानी अर्थ के पास जो ऊपर इसकी हाइट होगी उसको हम यहाँ पर एज्यूम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो कैपिटल G मास की जगह कैपिटल m स्मॉल m अपान अर्थ का रेडियस। ये अर्थ का हमने रेडियस लिया है कैपिटल R से, कैपिटल m मास लिया है अर्थ का, स्मॉल m पार्टिकल का मास है, आपकी बॉडी का मास है जिसकी हम स्टडी यहाँ पर करेंगे। ये जो फोर्स लग रहा है अर्थ के केस में, वैसे हम इसको ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ बोलते हैं और यहाँ पर जो है वो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी बोल दिया जाता है, अर्थ के केस में ग्रेविटी फोर्स बोल देते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है कैपिटल जी एम अपान आर स्क्वायर, यही स्मॉल जी से लिखी जाती है, जो कि आप जानते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, काइनेमेटिक्स में आपने स्टडी किया है इसको। तो हम फोर्स की जो वैल्यू होगी एफ वो हो गई आपकी डायरेक्ट एफ इज इक्वल टू एम जी। आप जानते भी हैं कि किसी बॉडी को कहीं पर रख दें तो उसमें अर्थ का जो है वो ग्रेविटेशनल जो फोर्स आप लगाते हैं या वेट आप लिखते रहे हैं, जो वेट है वो एम जी के इक्वल होगा। ये जो फोर्स लगता है ये हमेशा, जैसे ये अर्थ है आप और इसके ऊपर हमने ये बॉडी रखी यहाँ पर है, तो इसके ठीक सेंटर पर लगाएं और अर्थ के टूवर्ड्स सेंटर की तरफ लगेगा। ये अर्थ का सेंटर है, यानी ऑलवेज एक्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर की तरफ लगेगा और ये फोर्स आपका डाउनवर्ड एम जी हो गया। हम ध्यान रखना, जब हम किसी बॉडी पर फोर्स को दिखाते हैं तो बॉडी को हम एक्सटेंडेड भी दिखा सकते हैं और हम पार्टिकल के उसमें भी दिखा सकते हैं, यानी पॉइंट मास के भी टर्म्स में, ठीक है। तो उसमें जो फोर्स आप बनाते हैं बॉडी पर जो भी एक्ट कर रहे हैं और फोर्स जो दिखाए जाते हैं वो जो डायग्राम आप बनाते हैं उसको हम फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं, FBD फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं, जो फोर्स शो किए जाते हैं डायग्राम में। तो यहाँ पर जब हम स्टडी करेंगे तो केवल हम ये जो स्मॉल m का जो मास रखा हुआ है इसकी हम स्टडी करेंगे। जैसे मान लीजिए ये कोई टेबल या सरफेस है, इसके ऊपर ये स्मॉल m का मास रखा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड लगाएंगे हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ, अर्थ को नहीं बनाया जाएगा। ये टेबल हमने बना ली है, इसके ऊपर ये मास रखा हुआ है, ठीक। अब एक्शन रिएक्शन को समझें कि जब अर्थ इस बॉडी को एम जी फोर्स से डाउनवर्ड अट्रैक्ट कर रही है, ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है,
एमजी फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है तो इसका रिएक्शन ये होगा कि ये बॉडी अर्थ पर एमजी फोर्स अपवर्ड लगाएगी। अगर हम इस ऊपर वाली बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इसमें ये फोर्स हम डाउनवर्ड दिखाएंगे। अगर हम अर्थ का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, ये अर्थ, तब हम इस फोर्स को अपवर्ड दिखाएंगे एमजी। ये दोनों एक्शन और रिएक्शन है। ए बॉडी बी पर फोर्स डाल रही है और बी ए पर। कभी एक बॉडी पर एक्शन रिएक्शन नहीं लगते हैं, स्ट्रिक्टली ध्यान रखना। अर्थ के न्यूमेरिकल नहीं आया करते हैं, अर्थ का हम फ्री बॉडी डायग्राम नहीं यूज में लेते हैं, लेकिन एक्शन रिएक्शन आप ध्यान रखना। ठीक, तो अब ध्यान रखें कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी लग रहा है या वेट है एम जी, वो हमेशा जब भी किसी बॉडी पर बनाए तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड बनेगा। ठीक, ऐसे नीचे की तरफ। ठीक है, और ये दोनों एक्शन रिएक्शन है। ठीक, ये अर्थ का एक्शन है इस पर और इसका रिएक्शन इस पर अपवर्ड होगा, यानी ये एक्शन है। न्यूटन थर्ड लॉ बहुत ही कम ऐसी सिचुएशन है जहां डिनाई करता हो, वो जरूर लगेगा। फिलहाल ऐसा लेकर चले आप। ठीक, तो आपने वहां डाल दिया होगा फोर्स एम जी लग रहा है और एक्शन रिएक्शन डाल दिए। यहाँ पर आप एक पॉइंट, ये स्मॉलेस्ट फोर्स है न्यूक्लियर, और जो वीक फोर्स हैं वो न्यूक्लियस के अंदर ही इफेक्टिव होते हैं, वो बाहर इफेक्टिव नहीं होते हैं, जो हमने थर्ड और फोर्थ लिखाए हैं। ठीक है, उनकी फोर्स की वैल्यू न्यूक्लियस के बाहर नहीं लगती है, न्यूक्लियस के अंदर उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। ये जो फोर्स है ये स्मॉलेस्ट फोर्स कहलाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, लॉन्ग रेंज फोर्स है और बिटवीन टू पार्टिकल्स लगता है यूनिवर्स में। हम अर्थ और उसके केस में लेते हैं नेचर से। ये जो बिटवीन दोनों, जैसे दो बॉडी हैं उनके बीच में जो मीडियम है उससे ये इफेक्टेड नहीं होता है। मीडियम चाहे एयर हो, वैक्यूम हो, वाटर हो, उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, ये मीडियम से इफेक्टेड नहीं होता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ मीडियम है। लॉन्ग रेंज फोर्स है, अट्रैक्टिव है। और एक पॉइंट तो जरूर लिख लें कि डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, लिखिए डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ विच एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो आप समझ गए होंगे कि हम हर बॉडी में ग्रेविटेशनल वेट लगाएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स का के ड्यू टू, और वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगाएंगे। अब आप दूसरा फोर्स लिखें। ये जो फोर्स हम आपको स्टडी करा रहे हैं इनको समझे बिना न्यूटन्स लॉ में प्रॉब्लम आती है, इसलिए आप इनको ठीक से एक एक पॉइंट को क्लियर करके समझना। सेकेंड हैंड डालें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। देखिए इसमें इसका नाम ही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक दोनों टाइप के फोर्स का रिजल्टेंट है। आप पहले डेफिनेशन लिखें। देखें फोर्स एग्जर्टेड, हेडिंग डाल दी, फोर्स एग्जर्टेड बाय वन पार्टिकल ऑन द अदर। फोर्स एग्जर्टेड बाय वन पार्टिकल ऑन द अदर ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ द पार्टिकल। फोर्स एग्जर्टेड बाय वन पार्टिकल ऑन द अदर ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इन्हें कॉन्टैक्ट फोर्स भी कहते हैं, टच में लगने पर आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स। ये जो फोर्स हैं यही मेन फोर्स हैं आपके जो यहाँ हम स्टडी करेंगे। एक तो नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन इसके बाद का अगला चैप्टर है, पहले विदाउट फ्रिक्शन है चैप्टर में, और उसके बाद फ्रिक्शन फोर्स जब एक्ट करेगा तब स्प्रिंग फोर्स और मैस्कुलर फोर्स। स्प्रिंग फोर्स,
और मैस्कुलर फोर्स। वैसे मैस्कुलर फोर्स एक तरह का टेंशन फोर्स ही होता है, तो पहले हम सबसे पहले नॉर्मल फोर्स की स्टडी करेंगे, उसके बाद टेंशन फोर्स और अदर की स्टडी करेंगे। हम बता रहे हैं अभी, वो नहीं लें आप बुक को ना, नो ना ना ना, अभी मत लें उसे। आप जरा यहाँ पर समझने की कोशिश करें कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, ये जो फोर्स है, जैसे कोई आप एटम जब लेते हैं उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और बाहर जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में आपको मालूम है प्लस और माइनस की वजह से अट्रैक्शन होगा। और हम आगे चैप्टरों में पढ़ेंगे ट्वेल्थ में कि जब कोई भी पार्टिकल मूव करता है तो उसमें चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो आसपास मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन ये रिवॉल्व कर रहे हैं ये आसपास अपने मैग्नेटिक फील्ड भी बनाते हैं। इनकी स्टडी ट्वेल्थ में की जाएगी कि कितना फील्ड बनाते हैं और उसका क्या नेचर है। ऐसे ये प्रोटॉन वगैरह ये भी बनाते हैं। कुल मिला के जब कोई एक बॉडी के अंदर, आप समझ रहे होंगे कि करोड़ों करोड़ों प्रोटॉन्स होते हैं और उनको उनकी वजह से वहाँ पर इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फोर्स लगते हैं, उसको कम्बाइंड यहाँ पर नाम दिया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। हम उनकी डिटेल्ड स्टडी ना करके हम यहाँ जो एक्चुअल में न्यूटन्स लॉ में हम फोर्स अप्लाई करेंगे उनको यहाँ पर लिया गया है। जैसे पहला फोर्स नॉर्मल फोर्स है, तो आप फर्स्ट हेडिंग डालें नॉर्मल फोर्स। इनकी थ्योरी बुक्स में रॉन्ग है बहुत ज़्यादा, वो बाद में स्टडी करेंगे। ये नोट कर लिए, तो आप यहाँ पर पहली हेडिंग डालें नॉर्मल फोर्स और इसको आप समझने की कोशिश करें। ये जितने भी फोर्स हमने अभी लिखाए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों तरह के हो सकते हैं ये, ठीक है ना। और मीडियम ये डिपेंड करते हैं मीडियम पर, ठीक है ना। अभी हम फिलहाल पहले नॉर्मल फोर्स की स्टडी करेंगे, उसको आप समझने की यहाँ कोशिश करें। देखिए जब हम किसी सरफेस के ऊपर, यहाँ पर शायद टेबल ना दिख रही हो आपको, जैसे मान लीजिए ये हमने बनाया यहाँ पर, समझ लें कि ये टेबल है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए हमने इसके ऊपर किसी बॉडी को रख दिया, इसको रख रहे हैं यहाँ पर, ठीक। आप अभी तक जो आपने स्टडी की है उसके अकॉर्डिंग टू आप समझ गए हैं कि अगर हम ये इस पर रखते हैं और हम इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, कॉपी का नहीं, टेबल का नहीं, इसका बॉडी का बनाने जा रहे हैं, तो इस बॉडी पर अभी आपने एक ही फोर्स स्टडी किया है, वो था ग्रेविटेशनल फोर्स। वो किधर लगेगा? वो डाउनवर्ड लगेगा, डाउन नीचे की तरफ। हमने बता दिया कि हर बॉडी पर जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो उसमें वेट उसका एमजी हमेशा उसके सेंटर से दिखाएं और डाउनवर्ड दिखाएं नीचे की तरफ, तो इस पर वेट लगेगा नीचे की तरफ। अब यहाँ एक नेचुरल क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर हमने इसको यहाँ रख दिया तो जब इस पर डाउनवर्ड फोर्स वेट लग रहा है डाउनवर्ड, तो ये डाउनवर्ड मोशन क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम इसको ये यहाँ नहीं बोलेंगे कि ये कॉपी है इसलिए नहीं कर रहा, हमें फोर्स बताना पड़ेगा उसकी बैलेंसिंग के लिए, ठीक। तो इसका मतलब है कि इस बॉडी पर कोई ना कोई इसके ऊपर रखने पर एक अपवर्ड फोर्स जरूर लग रहा है, तो वो जो फोर्स है अपवर्ड वो नॉर्मल फोर्स है। वो कहाँ एक्ट करता है समझने की कोशिश करें। जब हम किसी बॉडी को किसी सरफेस के ऊपर रखते हैं तो पहली बात हम यहाँ से लगाकर फ्रिक्शन तक स्टडी करेंगे कि ये सरफेस जो हमें स्मूथ दिखता है ये स्मूथ नहीं है। अगर इसको माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो इसमें बड़े बड़े अप और डाउन्स दिखाई पड़ेंगे, यानी जो सरफेस आपको स्मूथ दिखता है वो ऐसे करके दिखाई पड़ेगा। इसको हम थोड़ा पास पास बनाना चाहेंगे, यानी कि ये आपको ऐसे दिखाई पड़ेगा, ये जैसे ये कॉपी है या टेबल है उसका ये सरफेस है, ये स्मूथ नहीं होता है। अब इसके ऊपर अगर हमने किसी बॉडी को रख दिया, ये देख इसकी भी सरफेस स्मूथ नहीं होगा, जो बॉडी रख रहे हैं वो भी हम आपका ऐसे दिखाई दे रहे हैं, ये रख दिया हमने सरफेस। अब एक पॉइंट आप समझ चुके हैं कि इसके ठीक सेंटर से नीचे की तरफ एम जी फोर्स लगाएं, ठीक। जितने भी ये कॉन्टेक्ट पॉइंट हैं, ये कॉन्टेक्ट पॉइंट, ये कॉन्टेक्ट पॉइंट, ये कॉन्टेक्ट, इन सब में जो लोअर सरफेस है
ये वाला हम सरफेस हटा रहे हैं, नीचे जो हमने बड़ा सा बना दिया है, ये जो लोअर सरफेस है, ये टेबल का सरफेस है, या आप ब्लॉक को किसी के भी ऊपर रख दें, जैसे हमने कॉपी के ऊपर रख दिया, तो ये कॉपी का सरफेस हमने नीचे वाला बनाया है, यानी और ये ऊपर वाला ब्लॉक है, हम इसको यहाँ पर टेबल लिख दे रहे हैं, और ये ब्लॉक है, ठीक। आप जरा समझें, ये जितने भी पॉइंट हैं कॉन्टेक्ट, इन सब में ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये हमने इसका रीजन आपको बता दिया, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक, उसका ओवरऑल जो इफेक्ट होगा उससे इसमें अपवर्ड फोर्स लगेंगे नॉर्मल ऊपर की तरफ, ये नॉर्मल लगेंगे हर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर लगेंगे, और कोई भी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को क्लियर नहीं बता सकता है कि कितने पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट वहां पर हैं, ठीक है ना। बहुत सारे कॉन्टेक्ट पॉइंट होंगे, अगर हम किसी बॉडी को इसको आप टेबल पर रख दें तो नीचे वाले सरफेस पर इनफाइनाइट एक तरह से कॉन्टेक्ट पॉइंट बनेंगे, बहुत सारे कॉन्टेक्ट पॉइंट, ठीक। लेकिन ये सभी नॉर्मल फोर्स नहीं दिखाए जाते हैं, जब हम ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो केवल एक जगह हम नॉर्मल फोर्स दिखाएंगे, तो हम इसको हटा रहे हैं, यहाँ हम बना रहे हैं, ये बना लिया ना, तो अगर हम इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो हम एक हमें नॉर्मल फोर्स दिखाना पड़ेगा और एक हमें वेट mg दिखाना पड़ेगा, ठीक। तो देखिए, हमने ये ब्लॉक ले लिया, ये जो ऊपर रखा था वहाँ, इसके ठीक सेंटर पर डाउनवर्ड ये हमने mg फोर्स दिखा दिया, और ध्यान रखना जो नॉर्मल फोर्स लगता है वो दोनों के कॉन्टेक्ट पर लगता है, इसका मतलब इसके लोअर सरफेस पर लगता है। इसमें बहुत माइन्यूट पॉइंट है, इनको बहुत ठीक से समझना, mg सेंटर पर लगेगा, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन अगर ये बॉडी रेस्ट में है और इसमें कोई अदर फोर्स नहीं लग रहा है, ध्यान दें, अगर ये बॉडी रेस्ट में है और इसमें कोई अदर फोर्स नहीं लग रहा है, तो यूजुअली हम नॉर्मल को यहाँ दिखाते हैं, लेकिन बना बुक में एक ही लाइन में देते हैं, ये नॉर्मल ऊपर, यानी कि जैसे ये पॉइंट ओ है, ए है, तो नॉर्मल ए पर लग रहा है अपवर्ड, और ये सेंटर ओ पर mg लग रहा है डाउनवर्ड, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन एक ही है। देखिए, हमें दो चीज़ें यहाँ समझनी पड़ेंगी, अगर इस कॉपी के ऊपर हमें ब्लॉक रखते हैं और mg डाउनवर्ड है, तो उसको बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई फोर्स जरूर होगा, क्योंकि इस पर नेट फोर्स जीरो है, ये मोशन में नहीं है, ओके। इस तो mg जब डाउनवर्ड लग रहा है तो हमें एक फोर्स अपवर्ड लेना पड़ेगा, नहीं तो न्यूटन्स लॉ फेल होगा यहाँ, तो इसलिए यहाँ क्या होगा, यहाँ नॉर्मल फोर्स ऊपर लगे, वो लगता है, वो जहाँ जहाँ कॉन्टेक्ट पॉइंट है वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्रिएट होता है और बॉडी पर ऊपर की तरफ लगता है। अगर ये बॉडी रेस्ट में है इन जनरल, तो हम mg की लाइन पर ही इसको दिखाएंगे, और अब नेट फोर्स हो गया जीरो, ये दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट। और एक बात समझ लें, ये नॉर्मल और mg, ये हम थोड़ा आगे बताएंगे आपको, ये एग्जैक्टली इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन हम अपनी थ्योरी में इनको इक्वल लेते हैं, ठीक है ना, वो बात थोड़ा बाद में समझ में आएगी। फिलहाल आप ऐसे समझ लें कि हम n इज इक्वल टू mg लिखेंगे, या आप ऐसे समझ लें यहाँ मोशन नहीं है तो नेट फोर्स यहाँ पर जीरो है अपवर्ड, और ये वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स, इसलिए यहाँ पर नेट फोर्स जीरो होगा। हम अदर पॉइंट डिस्कस करने के पहले आप नोट करें कुछ, ये हमने सरफेस बनाया है, सरफेस को हम यहाँ पर दिखा सकते हैं लाइन खींच के, ऐसे पर दिखा दें, आप एक्शन पॉइंट ध्यान रखना ए और ओ, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं, आप यहाँ पर आप थ्योरी लिख दें, जरा देखिए, when you place a book on a table, when you place a book on a table, ठीक से लिखना आप सभी लोग, when you place a book on a table, table exert an upward force, table exert an upward force on the book, table exert, ये ऊपर को लग रहा नॉर्मल, table exert an upward force on the book to hold it,
क्योंकि एम जी डाउनवर्ड लग रहा है। दिस फोर्स कम फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, शॉर्ट में लिखा करें ईएम फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द सरफेस ऑफ द बुक एंड ऑफ द टेबल। यानी आपकी जो बुक है उसको टेबल पर रखा है, उन दोनों के जो बीच का सरफेस है कांटेक्ट, तभी कांटेक्ट फोर्स भी बोल देते हैं, वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्रिएट होगा और आपकी बुक पर अपवर्ड लगेगा। क्या लिखा, मॉलिक्यूल्स ऑफ द सरफेस ऑफ द बुक एंड ऑफ द टेबल, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल फोर्स। नेक्स्ट पॉइंट में या पैरा में लिखें, यहां एक पॉइंट समझ लेना, ये जो हमने यहां टेबल बनाई है और इसने इस पर नॉर्मल फोर्स ऊपर डाला है, इसका रिएक्शन होगा कि इन्हीं कांटेक्ट पॉइंट पर, ध्यान दें, टेबल के ऊपर नीचे की तरफ नॉर्मल फोर्स लगेगा। ऐसे जब हम टेबल का फ्री बॉडी डायग्राम दिखाएंगे तब हम ये डाउनवर्ड वाले दिखाएंगे, और जब हम ब्लॉक का एफबीडी बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम तो इसमें हम अपवर्ड दिखाएंगे। ए बॉडी बी पर फोर्स डालेगी तो बी ए पर जरूर डालेगी। यानी नॉर्मल फोर्स टेबल के ऊपर जो ब्लॉक रखा है वो ब्लॉक में अपवर्ड लगेगा, उसका रिएक्शन होगा कि ब्लॉक टेबल पर नॉर्मल फोर्स डाउनवर्ड डालेगी। ब्लॉक टेबल पर नहीं लगाता एम जी, है अर्थ हमेशा एम जी फोर्स लगाता है ब्लॉक पर, और उसका रिएक्शन होता है कि ब्लॉक अर्थ पर एम जी फोर्स अपवर्ड लगाएगा। हम अर्थ का फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बना रहे हैं, हम ब्लॉक का बना रहे हैं, तो टेबल नहीं लगा रहा है अर्थ एम जी फोर्स, कौन लगा रहा है एम जी, अर्थ लगा रही है ब्लॉक पर, वो अलग फोर्स है बिल्कुल, नॉर्मल लगाएगी टेबल में, ठीक है, नॉर्मल फोर्स जो है वो एक्ट करेगा टेबल लगाएगी। तो आप एक्शन रिएक्शन समझ गए होंगे। यहाँ पर अगर हम ये लिखना चाहें आप, तो जैसे हमने यहाँ एन वन लिख दिया और इनको हमने एन टू लिख दिया, तो यहाँ पर एन वन इज इक्वल टू एन टू होगा। अब एन वन में एक को एक्शन लेंगे और फिर दूसरा इसका रिएक्शन होगा। और एक बात याद रखना, बहुत सारी बुक्स में आपके यहाँ देते हैं, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है कि नॉर्मल और एम जी, जब हमने ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है, ये दोनों एक्शन रिएक्शन नहीं है। बहुत सारे बुक्स में इनको एक्शन रिएक्शन लिखा गया है, ये एक्शन रिएक्शन नहीं है। आप अच्छी तरह से इनको समझ लें, नॉर्मल का रिएक्शन ये है जो ब्लॉक टेबल पर डालेगा, एम जी का रिएक्शन अर्थ के ऊपर जो एम जी फोर्स लगेगा सेंटर पर अपवर्ड, वो रिएक्शन है, ठीक है ना। ये इक्वल हम ले लेते हैं वो एक अलग मैटर है, रिवर्स ट्रू नहीं है। एक्शन रिएक्शन डिफरेंट बॉडी पर लगते हैं, इक्वल होते हैं, अपोजिट होते हैं, ठीक, लेकिन अगर कोई फोर्स इक्वल और अपोजिट है तो ये जरूरी नहीं कि वो एक्शन और रिएक्शन हो। आप समझ गए ना बात को। जैसे आप कहीं पर भी, हमारे सामने इधर वॉल है इधर वॉल है, अगर एक कोई इधर फोर्स लगाए एक वॉल पर 5 न्यूटन, ठीक, और दूसरा इस वाल पर लगाए 5 न्यूटन, तो दोनों फोर्स इक्वल हैं, हमने दोनों 5 लिए हैं और दोनों अपोजिट हैं, लेकिन इसका ये मीनिंग नहीं कि वो एक्शन रिएक्शन हो गए। बात समझ गए ना, ठीक। अगर एक्शन रिएक्शन हैं तो ये जरूर है यहाँ कि वो इक्वल और अपोजिट होंगे, और यहाँ हमने आपको बताया है ये एग्जैक्टली इक्वल भी नहीं है, ये अपोजिट तो हैं, ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली ये इक्वल भी नहीं है, उसका कॉज बाद में। फिलहाल आप अपने चैप्टर में इन दोनों को इक्वल मान लेते हैं, ठीक है। अब आगे नोट करें, देखिए, नॉर्मल फोर्स एक्ट्स व्हेनेवर टू बॉडीज आर इन कॉन्टेक्ट। नॉर्मल फोर्स एक्ट्स व्हेनेवर टू बॉडीज आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। नॉर्मल फोर्स एक्ट्स व्हेनेवर टू बॉडीज आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। नंबर ऑफ नॉर्मल फोर्स
नंबर ऑफ नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, नंबर ऑफ नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को POC लिखें, इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नॉर्मल को समझने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट नोट करें, नॉर्मल फोर्स एक्ट्स आउटवर्ड, ये हमेशा आउटवर्ड एक्ट करेगा। नॉर्मल फोर्स एक्ट्स आउटवर्ड, इट विल नॉट डायरेक्टेड इनवर्ड, इट विल नॉट डायरेक्टेड इनवर्ड। देखिए आप अपने यहां जब भी नॉर्मल फोर्स बनाएंगे तो बॉडी पर हमेशा आउटवर्ड बनाएंगे, ठीक है ना, उसमें अंदर के साइड को, ये बाहर से आप देख रहे हैं ऑब्जर्वर, तो आउटवर्ड। एक केस जो आपके यहाँ नहीं होंगे, कम्पिटिटिव उसमें आते हैं कि कभी कभी अगर आप जैसे हिंज्ड करते हैं, जैसे गेट होता है आपका उसमें कब्जे लगे होते हैं वहां पर हिंज्ड है, या गम लगा दें, ग्लू कर दें, वहां कभी कभी इनवर्ड फोर्स दिखाए जाते हैं, वो जब खींचते हैं तो उसको इनवर्ड लगता है, वो चीज़ बाद में आएगी, लेकिन इन जनरल नॉर्मल फोर्स आउटवर्ड। तो यहाँ वहाँ नोट कर दें, फोर्स विल बी डायरेक्टेड इनवर्ड ओनली व्हेन बॉडी इज हिंज्ड, HINGED, या ग्लूड टू द सर्फेस। ये रेयर केस है इसलिए इसको जनरली न लगाएं, जब तक ये न लिखा हो कि वो हिंज्ड है। फोर्स विल बी डायरेक्टेड इनवर्ड ओनली व्हेन बॉडी इज हिंज्ड टू द सर्फेस। अब पहले हम एक पॉइंट यहाँ पर आपका, ये आप समझ गए कि हमने इस ब्लॉक को इस सरफेस के ऊपर रखा, अर्थ ने इस पर सेंटर की तरफ ग्रेविटी फोर्स डाउनवर्ड डाला, और ये जो सरफेस है इस ब्लॉक पर, इस पॉइंट पर अपवर्ड फोर्स डालेगी, ठीक है। इन जनरल अगर बॉडी रेस्ट में है तो ये लाइन ऑफ एक्शन एक ही होंगे। आप लोग थोड़ा 9th-10th में अभी इतना नहीं किया होगा, लेकिन हम प्रैक्टिकल आपको ये बात दिखा दे रहे हैं। देखिए अगर किसी बॉडी पर, मान लीजिए ये बॉडी रखी हुई है और इस पर लाइन ऑफ एक्शन हम डिफरेंट कर दें, तो देखिए क्या होगा। मान लीजिए हमने नॉर्मल यहाँ मान लिया, होता है कभी कभी शिफ्ट, और MG हमने यहाँ ले लिया, तो मालूम क्या होगा, ये रखो ब्लॉक रखा है, देखिए हम नॉर्मल यहाँ ऊपर डाल रहे हैं, ये देखिए घुमा रहा है, और MG हमने इधर डाला, ये रोटेट हो जाएगा। बट्स अब ब्लॉक रखे यहाँ देख लें और लगाएं नॉर्मल, लाइन ऑफ एक्शन जब किसी बॉडी पर दो फोर्स लगे हों इक्वल अपोजिट, अगर वो एक ही लाइन पर नहीं है तो बॉडी रोटेट हो जाएगी, तुरंत टॉर्क लगने लगता है, ठीक है ना। यहाँ बॉडी रोटेट नहीं हो रही है, यहाँ बॉडी स्टेशनरी रखी हुई है। अब बात समझ गए ना, इसलिए यहाँ पर लाइन ऑफ एक्शन एक ही होगा ये बॉडी जब रेस्ट में होगी। MG जिस लाइन में है उसी लाइन में हमें नॉर्मल को दिखाना है। नेक्स्ट पॉइंट नोट करें, नॉर्मल फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सर्फेस। अब आप इसका रूल समझें नॉर्मल फोर्स को लगाने का। जैसे हमने अभी ये लगाया, ये नॉर्मल फोर्स जो ये सरफेस बनाया गया था इसके परपेंडिकुलर है, ठीक। इसके रूल प्रेफरेंस वाइज लेना, सबसे पहले आप सरफेस को देखें और उसके परपेंडिकुलर लगाएं। अगर आपका सरफेस नहीं बन रहा है परपेंडिकुलर, तो फिर बॉडी के परपेंडिकुलर। नोट करें, नॉर्मल फोर्स एक्ट्स, हम अभी बना के दिखाएंगे आपको, नॉर्मल फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस और परपेंडिकुलर टू द बॉडी और परपेंडिकुलर टू द बॉडी, फिर और करके लिखें, और इन बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल डायरेक्शन, और इन बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल डायरेक्शन। हमने बोला है कि आप इनको प्रेफरेंस वाइज लगाएंगे, सबसे पहले आप सरफेस का परपेंडिकुलर देखेंगे, अगर सरफेस का परपेंडिकुलर बन रहा है तो सरफेस के परपेंडिकुलर के अलोंग हमेशा नॉर्मल फोर्स को आप लगाएंगे। देखिए एक तो हमने यही एग्जांपल बना दिया था, ये सरफेस है, ये ब्लॉक रखा है और यहाँ पर ये नॉर्मल फोर्स, हम पूरा फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बना रहे हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, ये जनरल वो है वाल है, कोई दो सरफेस हैं, ठीक। इसमें एक लैडर को रख दो, एक रॉड रख दिया समझ लो, ये रखा हुआ है,
तो नॉर्मल फोर्स कहाँ लगेगा? ये यहाँ पर परपेंडिकुलर टू सरफेस, यानी जिस सरफेस के ऊपर ये रखा गया है उसके परपेंडिकुलर ये इधर लगेगा एन वन। ठीक से समझ लेना, यहाँ इसके परपेंडिकुलर ऊपर लगेगा एन टू, यानी कि आप हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगाएंगे। जैसे मान लो ये कोई हमने ऐसे शेप में एक सरफेस लिया, ठीक, ऐसे करके ऐसे, ठीक, तो इसमें हमने एक बॉल रख दी, स्फेरिकल स्फीयर रख दिया, ये रख दिया इसमें, ओके, इसका ये सेंटर है। अब अगर यहाँ पर नॉर्मल बनाना है हमें इन पॉइंट पर, जहाँ भी टच होगा, हमने आपको डिफिनेशन में लिखाया है कि वेन एवर टू बॉडीज कम्स इन टू कॉन्टैक्ट, नॉर्मल फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू बॉडीज, यहाँ पर कॉन्टैक्ट है यहाँ नॉर्मल लगेगा, यहाँ कॉन्टैक्ट है यहाँ नॉर्मल लगेगा, ये नॉर्मल यहाँ लगेगा सेंटर से जाने वाली लाइन एन वन, यहाँ एन टू, और ये सेंटर से जाएगी क्योंकि सेंटर से जो लाइन जाती है वो स्फेरिकल पर परपेंडिकुलर होती है, यहाँ ये टेंजेंट होगा। अब नॉर्मल फोर्स को मान लो हमने यहां पर एक बॉडी ऐसे रख दी है, ये हमारी बॉडी है, ठीक है, रॉड रख दिया और ये सरफेस है, सरफेस को ऐसे लाइन खींच के दिखा देते हैं, तो यहां पर तो सरफेस मिल रहा है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर जैसे यहां बनाया वैसे यहां बना दिया एन टू, लेकिन यहां पर जिस सरफेस पर रखा है वो नहीं बन रहा है, तो बॉडी के परपेंडिकुलर, ये देखिए हमने बॉडी के परपेंडिकुलर खींचा है। और अगर कहीं कहीं आपको ये भी मिलेगा कि नॉर्मल फोर्स को दोनों कंपोनेंट ले लेते हैं एक्स और वाई में, अगर कोई कंपोनेंट वहाँ नहीं होगा तो वो ऑटोमेटिक जीरो आ जाएगा, यानी एन एक्स और एन वाई, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में दोनों में कंपोनेंट ले लेते हैं, ऐसा भी यूज करते हैं। और हम नॉर्मल फोर्स को अदर, ये आप स्फेरिकल नोट कर लिया, ये देखिए ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक। अब इंक्लाइंड प्लेन पर यहां इसको जरा नॉर्मल को लगा के देखें, जैसे ये हमने ब्लॉक रख दिया यहां पर ये, ओके, अब इसमें एमजी तो आपको हमने बता दिया कि एमजी किधर लगेगा, हमेशा बोलो डाउनवर्ड डायरेक्शन को लगेगा एम जी हमेशा। तो ये हमने ये ब्लॉक ऐसे रख दिया, बहुत यूज होता है आपके यहाँ न्यूमेरिकल में, ये थीटा देखिए ये यहाँ सेंटर पर डाउनवर्ड, ठीक, एम जी लग रहा है, ठीक। नॉर्मल देखें, नॉर्मल ये जो सरफेस आपका बना हुआ है इसके ठीक 90 डिग्री पर, यहाँ आप देख लिए एक्शन पॉइंट अलग अलग आ गए, ठीक है, इसके ठीक 90 डिग्री पर ये नॉर्मल एक्ट करेगा ऊपर, समझ गए ना। जब हम इसकी बैलेंसिंग की बात करते हैं, यहाँ पर देखिए आपने जो कोऑर्डिनेट वो जो काइनेमेटिक्स पढ़ा है उसमें ये ध्यान दिया हो, हम इसको एक्स एक्सिस ले रहे हैं और इसको वाई एक्सिस ले रहे हैं, ठीक। हम एक्स और वाई किधर अटैच करते हैं ये हमारे डिपेंड करेगा कि अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग होता है एक्स और वाई। यहाँ पर क्योंकि इनक्लाइंड प्लेन है, ये ऐसे प्लेन है, अगर हम इस पर किसी बॉडी को रखेंगे तो हो सकता है अगर फ्रिक्शन नहीं है या डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा है तो ये इधर को मोशन करेगी, है ना। जब इधर मोशन करेगी तो ये हमें एक अलॉन्ग एक्स एक्सिस या वाई जरूर लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें मोशन कोऑर्डिनेट की इक्वेशन लगानी होती है या हम फोर्स की इक्वेशन लगाएंगे तो हमें एक एक्स और वाई अटैच करना पड़ेगा। तो ज़रूरी नहीं हम एक्स इधर ले ले रहे हैं, डाउनवर्ड ले लो एक्स, ठीक। आप जरा देखें, जब आप एक्स और वाई अटैच कर देंगे तो कंपोनेंट उसी डायरेक्शन में होंगे, नॉर्मल तो खुद ही वाई में लग रहा है, यहाँ नॉर्मल का कंपोनेंट नहीं होगा। आप कहीं कहीं पर देखेंगे नॉर्मल की भी जरूरत पड़ती है, यहाँ हमने एक्स वाई जिधर अटैच किया है हमें उधर ही कंपोनेंट निकालने हैं, तो एम जी का कंपोनेंट देखिए, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा कितना होगा, ये एम जी कॉस थीटा। वेक्टर में आपने पढ़ा है कि जिससे थीटा एंगल बनाता है उसमें कॉस थीटा और दूसरे वाले में
साइन थीटा, और इधर एम जी का कंपोनेंट क्या लगेगा, एम जी साइन थीटा। तो अगर मान लो ये इसका जो मोशन है, देखिए बिल्कुल यही केस है, ये हमारा प्लेन है और हमने ये रखा ब्लॉक, ये जा रहा नीचे को, तो इसे कौन मूव कराएगा, एम जी साइन थीटा नीचे को, यही इज इक्वल टू एम ए किया जाएगा। न्यूटन्स लॉ क्या है, एफ इज इक्वल टू एम ए, तो मास कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, जी साइन थीटा। आपने इसको काइनेमेटिक्स में यूज किया है, इंक्लाइंड प्लेन पर अगर कोई मोशन होता है, आपके न्यूमेरिकल भी हैं, वहाँ एक्सीलरेशन जी साइन थीटा होता है। ध्यान दें, इसका कोई वाई डायरेक्शन में मोशन नहीं है, अब वर्टिकल नहीं बोलेंगे, वाई डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ नॉर्मल और एम जी कॉस थीटा एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर नॉर्मल एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा होगा, ये एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, समझ गए होंगे बात को, इंक्लाइंड प्लेन पर, ठीक है ना। अब दूसरे पॉइंट पर आए, नॉर्मल में एक जगह और नॉर्मल देखें, ये बन गए आपके, ये लैडर के केस में होंगे, ठीक है ना, ये ब्लॉक सरफेस पे रखा है, वो इंक्लाइंड प्लेन में है, एक हमने आपको स्फेरिकल बॉडी का भी बता दिया है कि नॉर्मल हम उसको वहां पर कैसे बनाएंगे। अब एक केस और यहाँ पर देखें, देखिए जैसे ये हमारा ये बोर्ड है, ओके, तो इस बोर्ड में अगर हम किसी ब्लॉक को प्रेस करके रखें, जरा आप मुझे बताएं इसमें नॉर्मल किधर लगेगा, इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए ये पेन है, इसी को हम दबा के रख रहे हैं, ये हमने दबा दिया, अब हमें पेन का फ्री एम जी किधर लगेगा, एम जी तो डाउनवर्ड नीचे को लगेगा, नॉर्मल किधर लगेगा, हाँ नॉर्मल इधर को, और हम जितने फोर्स से इसको दबा रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, उसी का नॉर्मल फोर्स इधर लग, रिएक्शन नहीं है वो, रिएक्शन क्या होगा, ये बोर्ड इस पेन पर नॉर्मल फोर्स इधर लगाएगा आउटवर्ड, इसका रिएक्शन होगा, ये पेन बोर्ड पर नॉर्मल फोर्स अंदर की तरफ लगाएगा, समझ गए ना बात। और यहाँ देखिए, यहाँ एक इंटरेस्टिंग केस है, हमने ये सरफेस बनाया और ये बिना प्रेस किए हुए रुक भी नहीं सकता है, हमारा ये ब्लॉक है और ये सरफेस है, सरफेस को वैसे ही दिखाते हैं, ठीक, और फोर्स जिस पर दिखाए जाते हैं हमने बता दिया, वो डायग्राम फ्री बॉडी डायग्राम, ओके। देखिए जरा यहाँ एक्शन देखे, एम जी यहाँ लगेगा ठीक सेंटर पर नीचे की तरफ, समझ गए ना, और ना हम फोर्स इधर लगा रहे हैं एफ, अभी फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन भी जब फिनोमिना में आएगा तो थोड़ा और टिपिकल हो जाते हैं, और नॉर्मल यहाँ लगेगा कॉन्टेक्ट पॉइंट पर, ठीक है, ए पॉइंट हमने ये लिया, ए पर नॉर्मल लगेगा, इधर लगेगा नॉर्मल बाहर की तरफ इधर को, ठीक है ना, हम इसको प्रेस कर रहे हैं इनवर्ड, नॉर्मल आउटवर्ड, फ्री बॉडी डायग्राम, केवल हम ब्लॉक का बना रहे हैं, ये हमारा सरफेस है और ये ब्लॉक है, हमने आपको प्रैक्टिकल दिखा दिया है, ये पेन को ऐसे दबाए, एम जी किधर डाउनवर्ड, हम जो प्रेस किए हुए हैं वो फोर्स एफ है, उसी का रिएक्शन बाहर नॉर्मल है, यहाँ पर एफ इज इक्वल टू एन होगा। और यहाँ एक बात चेक कर लें कि नॉर्मल एम जी की लाइन में नहीं है, दोनों 90 पर है, इसलिए हमेशा एक लाइन में नहीं, देखकर परपेंडिकुलर टू सरफेस रूल ध्यान रखें, परपेंडिकुलर टू सरफेस, फिर अगर नई सरफेस बन रहा है तो फिर परपेंडिकुलर टू बॉडी। हाँ जरा नोट करें, जैसे हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो फिर 10 न्यूटन का जो है वो यहाँ पर नॉर्मल होगा, एफ के इक्वल होगा, ठीक है, एम जी यहाँ डाउनवर्ड लगेगा, यहाँ नॉर्मल हमने इंक्लाइंड पर भी आपको बता दिया है। अब अदर पॉइंट नोट करें, आप जरा लिखिए वेट दैट यू फील, वेट ये थोड़ा आपको आगे समझ में आएगा, वेट दैट यू फील इज द नॉर्मल फोर्स नॉट द एक्चुअल वेट, जो वेट हम फील करते हैं वो नॉर्मल होता है, वो एक्चुअल वेट नहीं होता है, ऐसा आप समझ जाएंगे जनरल में। अभी तो हम जैसे अर्थ पर खड़े हैं तो हमारा वेट जो है वो नॉर्मल के इक्वल है, नॉर्मल ऊपर लग रहा है, वेट डाउनवर्ड लग रहा है, लेकिन आपने अगर कभी ध्यान दिया हो कि लिफ्ट में जब आप नीचे उतरते हैं तो आपको अपना वेट हल्का लगता है, और लिफ्ट जब ऊपर जाती है तो वेट भारी लगता है, वहाँ पर नॉर्मल फोर्स नीचे आने पर डिक्रीज होता है, इसी चैप्टर में आगे कराया जाएगा, जब आप अपवर्ड जाते हैं तो नॉर्मल फोर्स इंक्रीज होता है, तो एक्चुअल वेट जो हम फील कर रहे हैं वो नॉर्मल है, वो एक्चुअल वेट नहीं होता है,
ठीक, तो क्या लिखा, वेट दैट यू फील इज द नॉर्मल फोर्स नॉट द एक्चुअल वेट। वेइंग इक्विपमेंट कभी कभी पूछ देते हैं कि लिफ्ट में वेइंग इक्विपमेंट रखा है तो उसकी रीडिंग कितनी आ रही है, तो वेइंग इक्विपमेंट मेजर द वेट दैट यू फील, यानी नॉर्मल मेजर करते हैं, वेइंग इक्विपमेंट मेजर द वेट दैट यू फील। जब तक दो बॉडी कांटेक्ट में रहेंगी तब तक नॉर्मल लगेगा, अगर बॉडी ने कांटेक्ट लूज कर दिया तो नॉर्मल तुरंत जीरो। कभी ऐसा जरूरत पड़ती है कि इक्वेशन बनाने के बाद कहते हैं कि बॉडी ने लूज कर दिया कांटेक्ट, तो फिर तुरंत नॉर्मल को जीरो कर दें उठाकर। तो जैसे ही बॉडी ने कांटेक्ट लूज किया वैसे ही तुरंत जो है उसको जीरो कर दीजिए। अब एक इसका बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट को नोट करें। अगर कहीं जस्ट लूजेज लिखा है तो तब भी जीरो नॉर्मल को। हाँ लिखें, जरा लिखिए, नॉर्मल फोर्स नीड नॉट एक्ट थ्रू द सेंटर ऑफ बॉडी। नॉर्मल फोर्स नीड नॉट एक्ट थ्रू द सेंटर ऑफ बॉडी, ये इसका कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है और इन जनरल इलेवेंथ में यूज ना होकर कम्पिटिटिव क्वेश्चंस में यूज होता है। नॉर्मल फोर्स ये जरूरी नहीं है कि सेंटर से पास हो। अभी हमने आपको बताया था कि अपने केस में कि नॉर्मल फोर्स सेंटर से पास हो रहा है क्योंकि वो उस समय वहाँ पर वो एक्चुअली में वहाँ इक्विलिब्रियम में है, ठीक है ना। लेकिन अब आप अभी समझ जाएंगे बात को। देखिए, अगर कोई बॉडी रेस्ट में रखी हुई है ये, तो इसमें नॉर्मल सेंटर से जाएगा, नॉर्मल ऊपर लगेगा। हमने लाइन ऑफ एक्शन आपको समझा दिए हैं और एम जी यहाँ पर लगेगा डाउनवर्ड, ठीक है ना। लेकिन जरा यहाँ समझने की कुछ थोड़ा बहुत आइडिया आपको टॉर्क का यहाँ पर लेना पड़ेगा, नहीं तो ये पॉइंट यहाँ समझ में नहीं आएगा। अगर मान लीजिए ये ब्लॉक रखा है और हमने इस बॉडी पर फोर्स लगा दिया, होता मालूम क्या है, अगर हम किसी बॉडी पर यहाँ फोर्स लगा दें तो क्या होता है, ये बॉडी थोड़ी उठने लगती है। अगर आप ज़्यादा फोर्स लगा देंगे तो ये बॉडी अपनी जगह से अपवर्ड उठ जाएगी। जैसे मान लीजिए ये हम अपना वो ले रहे हैं इंक का, जैसे ये कॉपी पर हमने रखा फोर्स, रखा ब्लॉक है, इस समय तो नॉर्मल ठीक है, अब बर्ड लगेगा। अब जरा लगाओ इसमें फोर्स, जब हम फोर्स लगा देंगे तो देखो बॉडी उठने लगी, और अगर ज़्यादा लगा दिया तो ये गिर गई। इसका मतलब जैसे ही ये बॉडी यहाँ से उठेगी तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट पॉइंट कम हो जाएंगे। समझने की कोशिश करो, अगर ये बॉडी ध्यान दें, हम इतना फोर्स, पहले यहाँ पर एक बात समझ लें, एम जी यहाँ डाउनवर्ड, ये हमेशा सेंटर पर ही लगता नीचे, ठीक है, तिरछा हो जाएगा तब भी सेंटर से ही लगाना है। यहाँ एक बात समझने की कोशिश करें, हम यहाँ रखकर दिखा दे रहे हैं, देखिए इन इसमें ध्यान दें अब बात पर, अगर हमने नॉर्मल इस लाइन में लगाया, मान लो हमने नॉर्मल यहाँ लगा दिया, हम हटाएंगे इसको बाद में, ये लगाया, ठीक, तो जरा ध्यान देना, सेंटर से नॉर्मल का टॉर्क जीरो होगा क्योंकि नॉर्मल सेंटर से पास हो रहा है। आप किसी भी ब्लॉक में रख के देख लें, ये ब्लॉक रखा है, ठीक, इसमें एम जी नीचे लग रहा है, खाली एम जी देखें तो वो रोटेट नहीं होगा एम जी के ड्यू टू, नीचे मोशन करेगा, समझ गए ना। नॉर्मल अगर लग रहा है इसी लाइन पर तो भी रोटेट नहीं होगा, लेकिन यहाँ ये फोर्स जो लग रहा है ये बॉडी को, अगर हम सेंटर के अबाउट टॉर्क निकालें तो इसे वो रोटेट करा देगा। यहाँ ध्यान दें, ये रखी बॉडी, हम लगा रहे फोर्स आपके सामने, देखिए ये रोटेट हो गई। लेकिन हम आपको यहाँ दिखा सकते हैं रख के कि हम फोर्स लगा रहे हैं और बॉडी रोटेट नहीं हो रही है। ये यहाँ रखा हुआ है, ये रखा, हम फोर्स लगा, हल्का लगाएं, हम नहीं लगा रहे ज़्यादा, लेकिन लग तो रहा है, लेकिन बॉडी रोटेट नहीं हो रही है। अगर हम इसको ज़्यादा इधर लगाएं तो ये इधर से मेरी तरफ से एंटी क्लॉक रोटेट हो रही है। इसका मतलब ये है, हम इसका रीजन भी आपको समझा दे रहे हैं कि ये इसका टॉर्क लगेगा लेकिन ये बॉडी रोटेट नहीं हो रही है। यहाँ क्या होता है, ये नॉर्मल अपनी जगह से शिफ्ट होके इधर आ जाता है। बात समझ गए, और देखें थोड़ा समझने में वो है, यहाँ समझने की कोशिश करना, ये पॉइंट अगर ए है और ये तुम्हारा सेंटर लाइन है, ठीक, ये सेंटर लाइन है, ये हमने पॉइंट बी लिया, ध्यान दें पॉइंट पर, हमने ये पॉइंट बी लिया, ये सी लिया, तो जरा ध्यान देना इस फोर्स का टॉर्क किधर लग रहा है, ओ के अबाउट क्लॉकवाइज, और नॉर्मल का किधर लग रहा, एंटी क्लॉक। बहुत आसान है, अपनी कॉपी पर ब्लॉक को रखिए और जहां के अबाउट तुम्हें टॉर्क निकालना हो वहां एक फिंगर से उसको प्रेस कीजिए और दूसरा वाला फोर्स लगाइए, देखो ये घूम रहा है एंटी क्लॉक। और यहां देखिए हमारा पेन छोटा है, ये एफ इधर लगाओ, ये देखिए इधर घूम रहा क्लॉक, तो क्या होगा,
नॉर्मल तुरंत शिफ्ट होगा और वो क्लॉकवाइज फोर्स और एंटी क्लॉकवाइज फोर्स मिलकर एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, अदरवाइज बॉडी रोटेट होने लगेगी, और बॉडी रोटेट हो नहीं रही है इसलिए बैलेंसिंग जरूरी है। नॉर्मल जरूर शिफ्ट होगा, जब बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो नॉर्मल अपनी जगह से शिफ्ट हो जाता है। ये रेयर क्वेश्चन होंगे, आपको कॉम्पिटिटिव में मिलेंगे। हम यहाँ पर बैलेंसिंग इक्वेशन लिख दे रहे हैं, बैलेंसिंग टॉर्क की बैलेंसिंग इक्वेशन है, फोर्स एफ इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ से ए तक, ये ठीक है ना, हमने यहां से ही ले ली ओ ए, इज इक्वल टू नॉर्मल इनटू बी सी, बी सी ए है, बी ए है, सी ए पॉइंट है, ये वाला जहां पर नॉर्मल लग रहा है, ठीक है ना। और आप भी ये बात समझते हैं कि अगर हम ब्लॉक में इतना फोर्स लगा दें कि ये ब्लॉक इसके अबाउट ऐसे रोटेट होने लगे, ये फोर्स एफ लगा रहे थे तो नॉर्मल सारा कॉर्नर पर चला जाएगा और एम जी यहाँ लगेगा, अगर ये यहाँ के अबाउट घूम गई बॉडी तो, समझ गए होंगे ना बात को, ठीक। तो नॉर्मल फोर्स जरूरी नहीं सेंटर्स पर होकर जाए, इन जनरल सेंटर से होकर जाएगा जब बॉडी इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में है, और यहाँ ये ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम था यहाँ पर, ठीक है ना, और यहाँ पर इस रोटेशन पर जो टार्क लग रहा है उसको बैलेंस करने के लिए नॉर्मल अपने सेंटर से आगे शिफ्ट हो जाएगा, और ओरिजिनल काज आप समझ लें जब फोर्स लगाएंगे तो यहाँ के कॉन्टेक्ट पॉइंट लूज हो जाएंगे, वो हट जाएगा वहाँ से, बॉडी उठने लगेगी वहाँ पर, समझ गया ना। जब कॉन्टेक्ट पॉइंट ही नहीं रहेगा तो नॉर्मल कहाँ से लगेगा, नॉर्मल आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो ओके स्टूडेंट, हमने आज आपको नॉर्मल फोर्स डिस्कस किया है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, ठीक है ना, आप इसको ठीक से समझना, डाउट हो तो कमेंट में डालें मुझे, ओके।